और आज इटावा दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। शिवपाल यादव के गढ़ जसवंत नगर में कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे और मलाजुनी इटावा में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। कई नेताओं को खबर यह है कि भाजपा में वो शामिल करवा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं को, हो सकता है स्थानीय नेताओं को भाजपा में शामिल करवा सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी खबर है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं। इटावा के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज के दिन रहने वाले हैं और शिवपाल यादव के गढ़ जसवंत नगर में भी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, मेरे साथी मोहम्मद फारिक जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद फारिक आप वहां पहुंचने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी, क्या जानकारी है, कितने बजे पहुंचेंगे, उसके बाद क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं और खबर यह है कि कुछ नेताओं को भी भाजपा में शामिल करवा सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। मोहम्मद फारिक जी, दीपा दोपहर 12 बजे भूपेंद्र चौधरी आज जसवंत नगर के मलाजनी पर एक गेस्ट हाउस में बूथ कमेटी के अपने लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। लगभग जसवंत नगर के 181 बूथ हैं जिनके कार्यकर्ताओं के जो उनके हैं उनके साथ मीटिंग की जाएगी जसवंत नगर में। और जो सूचना मिल रही है कि भूपेंद्र चौधरी इटावा के जसवंत नगर के कुछ लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को शामिल करा सकते हैं, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं एक सबसे बड़ी जो खबर आज मिल रही है वो शाम को 4 बजे सैफई में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय का उद्घाटन करने जा रही है। वो सैफई जहां भाजपा का कोई भी वोटर ढूंढे नहीं मिलता था, चुनाव में कोई बस्ता नहीं लगता था, उस सैफई में भारतीय जनता पार्टी अपने लाव लश्कर के साथ आज 4 बजे भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कर रही है। प्रदेश के जो मंत्री हैं राकेश सचान वो उसमें मौजूद रहेंगे और भी कई विधायक, पूर्व विधायक सैफई पहुंचेंगे। फिलहाल भूपेंद्र चौधरी का 12 बजे जसवंत नगर पहुंचने का कार्यक्रम है, उसके बाद बूथ कमेटी के लोगों के साथ मिलेंगे। जिस तरह जसवंत नगर जो जब से चाचा भतीजे एक हुए हैं उसको लेकर के भाजपा वहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जसवंत नगर में अपनी कहीं ना कहीं दावेदारी पेश कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद फारिक पूरी जानकारी के लिए। कार्यालय का उद्घाटन भी वहां पर करने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी और साथ में खलबली है दूसरे खेमे में भी, क्योंकि चाचा और भतीजा एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ये गढ़ है शिवपाल सिंह यादव का जसवंत नगर, वहां पर पहुंच करके चुनाव प्रचार को और धार देंगे भूपेंद्र चौधरी, शुक्रिया आपका। मैनपुरी में भाजपा नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा नेता एसपी सिंह बघेल और सुब्रत पाठक को लेकर के जानकारी है कि आज ये दोनों ही मैनपुरी पहुंचने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में प्रचार करते हुए, जनसंपर्क करते हुए दिखाई देंगे एसपी सिंह बघेल और सुब्रत पाठक। बड़ी खबर, भाजपा नेता भी पीछे नहीं है, लगातार पहुंच रहे हैं मैनपुरी और वहां पर जाकर के माहौल को तैयार कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल को लेकर के जानकारी है कि इनकी मौजूदगी भी होगी मैनपुरी में, सुब्रत पाठक भी मैनपुरी पहुंचेंगे और रघुराज शाक्य के समर्थन में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे दोनों। नितिन का सीधे रुख कर लेते हैं, वो वहां पर लगातार बने हुए। नितिन, इससे पहले समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे थे, अब देखिए भाजपा भी पीछे नहीं है, वहां पर तमाम जो बड़े दिग्गज हैं लगातार पहुंच भी रहे हैं, आप भी वहां पर डटे हुए हैं, कितना माहौल तैयार हो पा रहा है भाजपा के पक्ष में वहां पर? देखिए अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार इलेक्शन को बहुत ही मजबूती से, दमखम से चुनाव लड़ रही है। मैं एक ये कहा जाता था मैनपुरी में समाजवादी पार्टी कोई नहीं हरा सकता या समाजवादी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, एक तरफा रहता है, मैं नेताजी के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन नेताजी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है कि उसके ये कहा जा रहा है कि चुनाव हो रहा है, यानी कोई ये नहीं कि एक तरफा है, ये लोग मान के चलते थे इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यही वजह है समाजवादी खेमे में तनाव बढ़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस इलेक्शन में खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर अखिलेश यादव इस सीट को लूज करते हैं, डिम्पल यादव, तो भारतीय जनता पार्टी इसको इतना प्रचारित कर देगी पूरे देश में कि समाजवादी राजनीति का दी एंड होने वाला है। यही वजह है कि पूरी तरह से बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेताओं का लगातार दौरा बना हुआ है, भूपेंद्र चौधरी आज जसवंत नगर सीट पर रहेंगे, वहाँ वो तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और ये भी अंदर खाने से सोर्सेज से खबर मिल रही है, जैसे रामपुर में आजम खां के तमाम सहयोगियों को, क्लोज एसोसिएट्स को बीजेपी ने अपने पाले में लिया, तो ऐसे ही क्या रघुराज शाक्य की तरह ही कोई और भी बड़े नेता वहाँ बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? रघुराज शाक्य भी जो इस समय बीजेपी कैंडिडेट हैं, वो एक दौर में 2 बार के सांसद, 1 बार के विधायक रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से।
इसके साथ ही जो कहा जाए डिंपल यादव के सामने चुनावी ताल ठोक चुके हैं सुब्रत पाठक, जो वर्तमान में सांसद हैं। एक बार वो खुद चुनाव हारे डिंपल यादव से और 19 में उन्होंने डिंपल यादव को चुनाव हराया है। वो आज मैनपुरी में रहेंगे। इसके साथ ही एसपी सिंह बघेल, जिनका भी आमना सामना करहल विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ हुआ है, डिंपल के साथ 2009 में डिंपल यादव भी राजबब्बर से चुनाव हारी और एसपी सिंह बघेल भी चुनाव हारे बीएसपी से। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर कहा जाए ऐसे मुकाबला टक्कर का वहां पर होने वाला है, इसीलिए जिस तरीके से लगातार नेता पहुंच रहे हैं उससे ये चुनाव और भी दिलचस्प हो जाते हैं मैनपुरी के। शुक्रिया नितेश, नितिन पूरी जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।